Hello dear student, a very happy morning all of you. Welcome to our SS class. So today we are going to continue our chapter number 3 in textbook. So everyone take out your seat. This is your textbook. Take out your textbook and open page number 18. पेज नंबर 17 हमने लास्ट क्लास में किया था. ये वाला एक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में किया था ना, तो अभी हम क्या करेंगे, पेज नंबर 18 में और थोड़ा सा एक्टिविटी बाकी है वो हम करेंगे. सो एवरीवन रेडी, चलो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 18 सी, फर्स्ट राइट डाउन डेट ऑन योर टेक्स्ट बुक. राइट डाउन द डेट हियर. टुडे इज 8/7/21. Write down the date here. So what is the name of our chapter? My neighborhood. Chapter number 3, My neighborhood. So my neighborhood chapter में हमने क्या learn किया है अभी तक. अभी ये हमारा फोर्थ वीडियो क्लास है ना, तो हमने नेबरहुड के बारे में आप सबको अभी पता चल गया होगा कि व्हाट इज नेबरहुड. द माय नेबरहुड, नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है. द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड. द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड. तो अभी हमने लास्ट में ये एक्टिविटी किया था ये वाला, आई होप आप सबने कर लिया है. तो अभी हम थोड़ा सा बाकी है वो करेंगे. देखो पेज नंबर 18 में सबसे पहले नंबर बी में है. ये कौन नंबर बी में, पेज 18 में देखो ये वाला जो राइटिंग जोन था. राइटिंग जोन का ए हमने किया था अंश नंबर पर. अभी बी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. बी में है फिल इन द ब्लैंक्स. राइटिंग जोन में बी में है फील इन द ब्लैंक्स. अभी नंबर वन में क्या लिखा है, वी गो टू ए डेस्क टू कीप आवर मनी सेफ. क्या लिखा है, वी गो टू ए डेस्क टू कीप आवर मनी सेफ. हम हमारे मनी को कहाँ पे सेफली रख सकते हैं. मनी सेफ रखने के लिए हम हमारे कौन से नेबरहुड का यूज करते हैं. आंसर इज, मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखती हूँ, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ. ओके, तो आंसर इज क्या होगा, बैंक. हम हमारा मनी को सेफली कहाँ पे रख सकते हैं, बैंक में रखते हैं. ओके, देन नंबर टू इज, वी गो टू द डेस्क टू बाय थिंग्स वी नीड. नंबर टू में क्या है, वी गो टू द डेस्क टू बाय थिंग्स वी नीड. हम हमारे जरूरत के चीज खरीदने के लिए कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं. कोई भी आपको जरूरत की चीज खरीदने ही है, बाय करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे, मार्केट. तो कहाँ जाएंगे, नंबर टू आंसर इज मार्केट. एम ए आर के ई टी, मार्केट. देन नंबर थ्री इज, वी गो टू द डेस्क टू स्टडी. स्टडी के लिए हम कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे स्टडी के लिए, नहीं. तो कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे स्टडी करने के लिए, पुलिस स्टेशन जाएंगे स्टडी करने के लिए, कहाँ जाएंगे, नहीं. हम स्टडी के लिए कहाँ जाएंगे, यस वी गो टू स्कूल. तो थर्ड वाला आंसर इज स्कूल. वी गो टू स्कूल टू स्टडी. देन नंबर फोर इज, नंबर फोर इज, वी गो टू ए डेस्क टू ड्रिंक मिल्क. मिल्क खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कौन सी दुकान में मिल्क मिलती है, डेयरी में. तो डी ए आई आर वाई, डेयरी. मिल्क हमें कहाँ मिलती है, डेयरी में मिलती है, डी ए आई आर वाई, डेयरी. तो ये सब हमारा, ये जो बैंक, मार्केट, स्कूल, डेयरी, ये सब हमारा क्या है, नेबरहुड है. हमें रोज, मतलब हमारे जो रोज की लाइफ है, डेली लाइफ,
टाइम पे हम इन सबको यूज करते हैं, हमें उसमें से क्या मिलती है, बेनिफिट मिलती है, हमें हेल्प मिलती है इन सबसे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट नेबरहुड ऑफ अस, बैंक, मार्केट, स्कूल, डेयरी, ये सब हमारा क्या है, नेबरहुड है। ओके देन ये था राइटिंग जोन का था। ओके अभी हम क्या करेंगे, फोन जोन। फोन जोन में देखो क्या लिखा है, ब्रेल टेस्ट। अभी आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है ना, जैसे मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड व्हिच हैव वुड एट द एंड, क्या लिखा है, मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव वुड एट द एंड। ऐसे दो वर्ड आपको बनानी है जहां जिसके एंडिंग में वुड आता है, जैसे नेबरहुड लास्ट में क्या आता है, वुड आता है ना, वैसे आपको और दो वर्ड्स बनानी है जिसके लास्ट में वुड आता होगा। नेबरहुड तो है ऑलरेडी हमारे चैप्टर में, उसको छोड़ के बाकी दो हमें बनानी है जिसकी क्या होता होगा, लास्ट में वुड आता होगा। तो देखो नंबर मदरहुड, एम ओ टी एच ई आर, मदरहुड। देन नंबर टू इज चाइल्डहुड। देखो ये दो वर्ड है, दोनों के लास्ट में वुड है ना, देखो मदरहुड लास्ट में वुड है, चाइल्डहुड लास्ट में वुड है, ठीक है ना। तो ये नेबरहुड के छोड़ के ये दो वर्ड्स है में लास्ट में एंडिंग में फूड आता है, तो आपको क्या लिखनी है, मदरहुड एंड चाइल्डहुड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसके एंडिंग में फूड आता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे पेरेंटहुड, ब्रदरहुड है ना, चाइल्डहुड, मदरहुड। तो लास्ट में जैसे फूड आता होगा वैसे दो वर्ड आपको लिखनी है। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा है, मैनहुड एंड फ्लेशहुड, मैनहुड एंड फ्लेशहुड लिखा है। तो यहाँ पे दो डैश छोड़ा है, आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे लिखनी है, चाइल्डहुड और मदर, दोनों दो वर्ड है जिससे क्या होता है, एंडिंग में फूड आता है। ओके चलो नाउ अभी हमें एक एक्टिविटी करेंगे। देखो आपने लिखा है ये फोन जब में ये एक एग्जाम्पल था, नंबर टू जो है वो हम अभी करेंगे। चलो अभी जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में उसका आंसर लिखूंगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो बी नंबर बी में लिखा है डू इट योरसेल्फ। आपको ये एक एक्टिविटी है, जैसे हमने एक्टिविटी बनाया था पेपर कार्ड कैसे बनानी है, पेपर पे बर्थडे कार्ड कैसे बनानी है, मैंने आपको सिखाया था ना, वैसे आपको एक बनानी है पेपर फ्रेम, पेपर फ्रेम बनानी है। टॉपिक क्या है, हम क्या बनाएंगे, मेक ए पेपर फ्रेम, मेक ए पेपर फ्रेम, ये टॉपिक है। ओके मेक ए पेपर फ्रेम कैसे बनानी है, देखो यहाँ पे मेथड दिया गया है, आपको वन बाय वन उसको रीड करनी है और उसको करते जाना है। तो देखो अभी इसको करने के लिए आपको क्या क्या चीज की चाहिए, देखो कलरफुल चार्ट पेपर, सीजर, पेंसिल, स्केच पेन, स्टिकर्स एंड ग्लू। देखो मैं अभी आपको करके बताऊंगी आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे देखो देखो ये मैंने कलरफुल पेपर लिया, देखो मैंने ये ग्रीन कलर का कलरफुल पेपर लिया है और कलरफुल चार्ट पेपर, सीजर, ये देखो मेरे पास सीजर है ना, ये सीजर है, फिर ये ग्लू है हम यूज करेंगे, ये सारे कलरफुल सेलोटेप है वो भी आप यूज कर सकते हो, और ये मेरे पास कुछ कलर है क्रेयॉन्स है, ये सब हम यूज करेंगे। ये मैंने दो चार्ट पेपर लिए हैं, देखो एक व्हाइट कलर का है और एक कलरफुल है, तो आपको ऐसे दोनों लेनी है, एक कलरफुल लेनी है चार्ट पेपर,
एक व्हाइट लेनी है, सीजर लेनी है, ग्लू लेनी है और आप जो भी स्टिक और यूज करोगे वो आप ले सकते हो। ओके चलो अभी क्या करेंगे हम, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, मेथड में क्या लिखा है बुक में, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑन द कलर चार्ट पेपर। देखो मैंने ऑलरेडी एक रेक्टेंगल कलर चार्ट पेपर ले लिया है ना, यस मैंने इसको कट करके रेक्टेंगल ले लिया है। उसके बाद कट अलोंग द लाइंस ऑफ द रेक्टेंगल, देखो मैंने यहाँ पे लाइन भी खींच लिया है, देखो साइड साइड में मैंने लाइन भी खींचा है, लाइन के हिसाब से मैंने कट कर लिया है उसको। ओके उसके बाद क्या लिखा है, पेस्ट ए रेक्टेंगुलर व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑफ स्मॉलर साइज ऑन दिस कलरफुल पेपर रेक्टेंगल। क्या लिखा है, आपने ये जो कलरफुल पेपर लिया है आपको ऐसे एक व्हाइट कलर का भी पेपर लेनी है जो इस पेपर से साइज में थोड़ा सा छोटा हो, मतलब स्मॉलर साइज हो। इस ये जो कलरफुल पेपर है इससे ये जो व्हाइट पेपर है ये छोटा होना चाहिए। ओके तभी हम पेपर फ्रेम अच्छे से बना पाएंगे। तो ये मैंने कलरफुल पेपर लिया और ये देखो मैंने व्हाइट पेपर लिया, ये इससे छोटा ही है, देखो छोटा ही है ना, ऐसे ऐसे आपको चिपकानी है, ऐसे दिख रही है आप सबको। पहले हम कलरफुल पेपर लेंगे, इसके ऊपर हम व्हाइट कलर का ऐसे चिपकाएंगे। तो देखो मैंने ये लिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ओके कैसे फ्रेम बनानी है। अभी हम क्या, ये देखो मैंने ग्लू लिया है, ग्लू से अभी हम उसको कलरफुल चार्ट पेपर में ये व्हाइट कलर का हम चिपकाएंगे। देखो अभी इससे है ना थोड़ा सा सूख गया है ना, इसको हम चिपकाएंगे, देखो थोड़ा सा ऐसे करके मैं चिपका देती हूँ अभी है ना, थोड़ा थोड़ा ग्लू लेके इसके ऊपर अभी चिपका देंगे। देखो ये मेरा चार्ट पेपर है, अभी मैं इसको यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ। देखो अभी आपको ऐसे करनी है, ऐसे कलरफुल पेपर लेनी है और एक व्हाइट कलर का चार्ट पेपर लेनी है जो कलर पेपर, जो कलरफुल पेपर है उससे थोड़ा छोटा है ना, और अभी ऐसे चिपकानी। मैंने यहाँ पे दो पिक्चर ड्रॉ किया है, मैं बताती हूँ कैसे करनी है आपको। तो अभी हमने चिपका दिया, देखो अभी हमारा जो फ्रेम है ये बन के रेडी हो गया है ना। थोड़ा सा ही निकल रहा है ना, थोड़ा सा ग्लू और चिपकाएंगे। देखो अभी ये हमारा फ्रेम बन के रेडी हो गया है, देखो यू हैव मेड ए परफेक्ट पिक्चर फ्रेम, अभी हमारा पिक्चर फ्रेम बन गया है। देखो ये फ्रेम मतलब ये जो साइड वाले है ना, ये ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट ये सारे फ्रेम है। अभी हम क्या करेंगे, ये बनाने के बाद क्या करना है, नाउ पेस्ट द डिजायर्ड पिक्चर स्टिकर्स ऑन द व्हाइट रेक्टेंगल, यू कैन इवन ड्रॉ एंड कलर इट कलर ऑन इट। अभी आपको क्या करनी है, ऐसे चिपका पेपर चिपका दिया, उसके बाद आपको आप चाहे तो देखो यहाँ पे एक विलेज की पिक्चर ड्रॉ करके दिया है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो। अगर आपको पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स की, मुझे फ्लावर पसंद है इसलिए मैंने फ्लावर की पिक्चर ड्रॉ किया है। ऐसे पिक्चर ड्रॉ करेंगे, अभी उसको हम कलर करेंगे है ना। कलर करने के बाद ही ये दिखेगा एकदम मस्त दिखेगा है ना। चलो अभी हम रोज का कलर क्या होता है, रोज रोज रेड होता है ना, अभी हम रोज को करेंगे रेड कलर है ना। तो अभी मैं रोज को है ना देखो रेड कलर करूंगी। कलर करने के बाद वो बहुत ही अच्छा दिखेगा है ना। देखो अभी हम करेंगे कलर रोज,
मैं यहाँ पे क्रेयॉन्स यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो स्केच पेन और वाटर कलर जो भी आपको पसंद है, आपके पास जो भी है वो सब आप यूज कर सकते हो, है ना। रोज को किया मैंने रेड कलर, उसके लीव्स का कलर क्या आएगा, ग्रीन। देखो उसको अभी हम ग्रीन कलर करेंगे, है ना। रोज देखा है ना आप सबने किस कलर का होता है, ग्रीन होता है, और रोज रेड होता है और उसका जो लीव्स है वो ग्रीन होता है। उसके बाद और एक भी फ्लावर है, देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन किया, दिख रही है ना अच्छी। तो ऐसे आपको कोई भी डायरेक्ट ऐसे मतलब रोज की जो पोस्टर मिलती है ना पिक्चर छोटे छोटे, वो भी आप चिपका सकते हो, या तो आपको ये फ्लावर्स के बदले में आपको जो भी आपको ड्राइंग पसंद है, जैसे विलेज की भी पिक्चर बना सकते हो, फ्लावर एनिमल जो भी है, कोई भी पिक्चर आपको पेस्ट कर देनी है, या तो फिर अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक फ्लावर है हमारे पास, उसको हम करेंगे पिंक, है ना। पिंक अच्छी दिखती है ना। फ्लावर तो कलरफुल ही अच्छे लगते हैं, है ना, ऐसे सिंपल नहीं अच्छे लगते। तो अच्छा, किस किस को फ्लावर पसंद है, जिसको फ्लावर पसंद है वो फ्लावर ड्रॉ करेंगे, जिसको एनिमल पसंद है, आपको जो भी चीज पसंद है वो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है तो आपको भी फ्लावर ही ड्रॉ करने है, आप आपकी आपको जो भी पसंद है वो सब ड्रॉ कर सकते हो, है ना। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ड्रॉ, जिसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है ना, बहुत सारा को पेंटिंग अच्छा लगता है ना करने के लिए, तो वो यहाँ पे पेंट करेंगे। जिसको नहीं आता है वो मार्केट से छोटे छोटे पोस्टर लेके यहाँ पे चिपका देंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ से ड्रॉ किया है, देखो मैंने यहाँ पे दो फ्लावर्स किया है, देखो यहाँ पे रेड है और एक फ्लावर। तो आपको आपको अगर ड्रॉ नहीं करनी है तो आप छोटा छोटा पोस्टर आता है वो लाके भी आप पेस्ट कर सकते हो, ओके। तो फ्लावर तो कलरफुल ही अच्छे दिखते है ना। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ आपको ऐसे ही करने। तो ये बन गया हमारा पेपर फ्रेम, आप भी करना बहुत मजा आएगा इसमें। देखो अभी ये हमारा बन गया, देखो मैंने यहाँ पे एक रोज दो फ्लावर्स मैंने ड्रॉ किया है। ऐसे आपको पहले क्या करनी है समझ में आ गया सबको, पहले कलरफुल चार्ट पेपर लेनी है, उसके बाद एक छोटा सा उससे कलरफुल चार्ट पेपर से भी छोटा एक व्हाइट चार्ट पेपर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी आपको जो भी पसंद है ड्रॉ करके कलर कर सकते हो, या फिर छोटा छोटा वो पोस्टर मिलती है वो भी यहाँ पे चिप कर सकते हो। अगर इसको और भी थोड़ा कलरफुल करने के लिए, देखो यहाँ ऐसे कलरफुल सेलो टेप आता है ना, तो यहाँ इसको भी आप चिपका सकते हो, जैसे कलरफुल सेलो टेप आता है ना, तो वो भी आप चिपका सकते हो कोई भी। जैसे आप डेकोरेट, तो घर की भी बहुत सारी चीज होती है जिसमें आप डेकोरेट कर सकते हो ना। ये देखो, फिर लिख करने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अपना नेम, रोल नंबर एंड डिवीजन। डिवीजन लिख के क्या करनी है आपको तो पता ही होगा, नेम को सेंड करनी है, है ना। ये अच्छे से आपको डेकोरेट कर देनी है। देखो भाई, डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ग्लिटर पेपर, या ग्लिटर पेपर भी यूज करते हो, उसको काट के यहाँ पे आप चिपका सकते हो ना, इसमें तो बहुत सारे फ्लावर बन जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या करना है आपको, ऐसे ही कलर में ये कलरफुल सेलो टेप आती है ना, उससे आप बॉर्डर भी बना सकते हो। अभी मैं दिखाती हूँ, बट ये निकल ही नहीं रहा है, इससे ये कलरफुल सेलो टेप से आप बना सकते हो, है ना। आपका मेन मोटिव क्या है, पेपर फ्रेम बनना मतलब कैसे बनता है वो सीखना है ना।
तो ये तो हमारा पेपर पर बन ही गया है। देखो ऐसे बॉर्डर को हम करेंगे अभी, जैसे क्या करेंगे इससे कलरफुल सेलर टेप से अच्छे से बॉर्डर को हम कर देंगे डेकोरेट, है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। अभी ये हमारा पेपर फ्रेम बनके रेडी हो गया, देखो। देखो ये हमारा पेपर फ्रेम बनके हो गया रेडी। ये मैंने कलरफुल सेलो टेप से यहाँ पे बॉर्डर कर दिया। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, स्टोन से या फिर मार्केट से बहुत सारी चीज मिलती है जो आप लेके आप बना सकते हो। बट हमें बनाना क्या था, पेपर फ्रेम ही बनाना था, बन गया हमारा पेपर फ्रेम, ओके। दिख रही है ना, बहुत अच्छा। तो आपको क्या करनी है, ऐसा करके फिर मैम को आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देनी है, आपके नेम रोल नंबर एंड क्या लिखनी है डिविजन, ओके। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था माय नेबरहुड, वो टेक्स्ट बुक में भी फिनिश हो गया। अभी हम वर्कशीट में, नेक्स्ट क्लास में हम वर्कशीट में करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए वेरी नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर एसएस क्लास।